नाज़रीन वेलकम बैक। नज़र, इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं, वक्फे से पहले आप ये कह रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट अयूब ने खड़ी की 58 से ऑनवर्ड्स, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के दो हिस्से, बीज सेपरेटिज्म के, द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म, ये अयूब के दौरान They were sown during Ayub's time. जैसे मैंने कहा, inequality, economic inequality and political inequality, non-representation East Pakistan की। तो वो जो alienation थी, वो आप अगर East Pakistan की उस वक्त के economists जो ज़्यादातर थे, middle class economists जो थे East Pakistan के, वो यही बात सारा वक्त कर रहे थे। हमारी exploitation हो गई, transfer of surplus हो गया from East Pakistan to West Pakistan, concentration of wealth West Pakistan में हो गई, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वेस्ट पाकिस्तान में बन रहा, ये एक एहसास वहां होना शुरू हो गया। तो सही था ना कि रूलिंग एलीट सारी वेस्ट पाकिस्तान में, रूलिंग एलीट कंसोलिडेट हो रही थी और उसमें बंगाली को हिस्सा नहीं मिल रहा। तो ये तो अंडर अयूब हुआ। मगर इसके बाद जब इलेक्शन याया खान निकला तो इसके नतायज सामने आ गए कि वो मेजोरिटी में थे और उन्होंने जबरदस्त तरीके के साथ वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ टेक्निकली वोट दे दिया। सारा तो मुजीब रहमान के लिए वोट दे दिया जो बंगाली नेशनलिज्म की बात कर रहे थे। तो जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग सारे फारग हो गए, पीपल्स पार्टी सब उड़ गए, कोई किसी को कुछ नहीं मिला वहां। तो ये दिस वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अयूब्स डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। इट लेड टू ए फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड एलियनेशन इन ईस्ट पाकिस्तान, जो कि 1970 की इलेक्शन में रिजल्ट निकला। अब आगे अयूब तो चले गए, एक रिजल्ट निकल आया। अब तकाजा जमहूरियत का तो ये था ना कि अब मुजीब रहमान प्राइम मिनिस्टर बनता, मगर फौज ने और भुट्टो साहब ने मिलके मेड इट इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, और बंगालीज को पावर रिप्रेजेंटेशन डिनाई की। फिर वो सेसेशन की तरफ गए, हिंदुस्तान ने अपना हाथ देखा कि ये अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, हाथ डाल दिया, और फिर बंगाली जो थे वो सेसेशनिस्ट बन गए। फिर आर्मी एक्शन हुआ और भुट्टो साहब, वो आर्मी एक्शन हुआ और डिसमेंबरमेंट हो गई, जंग हार गए। इंडिया इंटरवीन सक्सेसफुली, सक्सेसफुली आपने गन डाला हुआ था, इंडिया इंटरवीन एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, तो उसमें मैं कहता हूं आपको कि फौज का हाथ, याया खान का हाथ था और भुट्टो साहब का हाथ था। इसमें भुट्टो साहब की जिम्मेदारी थी कि वो पावर ट्रांसफर होने देते, उन्होंने रुकावट डाली और ही प्लेड राइट इन टू द हैंड्स ऑफ द आर्मी, मगर उनके अपने मफाद की बात थी। अच्छा, एक इसमें छोटा सा एलिमेंट है, मैं चाहूंगा बहुत क्विक कमेंट करें, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, कि एक टर्म यूज होती है पाकिस्तान की पोलिटिकल साइंस के लिटरेचर में, मिलिट्री मुल्ला अलायंस, MMA, मिलिट्री मुल्ला अलायंस। ये जो शम्स और बदर के ब्रिगेड बनते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान आर्मी की इनडायरेक्टली वॉलंटियर्स के तौर पे हेल्प करते हैं, ये पहला बेसिक सिम्टम साइन है बिटवीन द रिलीजियस पार्टीज एंड पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन। नहीं, देखिए, ये मिलिट्री मुल्ला अलायंस जो है ना, मिलिट्री के तल्लुकात मुल्लाओं के साथ पार्टीशन के बाद रहे, थ्रू आउट रहे, इससे पहले भी रहे। मैं अर्ज करूँ कि वो जब कश्मीर की जिहाद हो रही थी 1948 में, तो जनरल अकबर खान थे कमांडर, तो यहाँ से जो लश्कर जा रहे थे वो जिहाद की बात शुरू हो गई थी, और जनरल अकबर ने अपना नाम भी तारिक बिन ज़ियाद रख लिया था ताकि वो एक इस्लामिक सिंबलिज्म, और उसके बाद भी फौज के तल्लुकात रहे हैं जमात इस्लामी के साथ भी और मुलाओं के साथ भी, और अयूब के ज़माने में भी एक तरफ ये मुलाओं के साथ गेम्स खेलते थे, उनको इस्तेमाल करते थे, और दूसरी तरफ उनको पावर में भी नहीं आने देते थे। तो ये चलता रहता था, और जब ये जंग की जब बात होती थी तो हमेशा इस्लाम की सिंबलिज्म और रिलीजियस सिंबलिज्म को ये बढ़ाते थे और उभार के आगे आगे करके सामने रखते थे और इस्तेमाल करते थे और एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये जो ब्रिगेड्स वहाँ बनी, ये बिल्कुल टू बी ये अंडरस्टैंडेबल है कि इन्होंने अगेन यही कहा कि वो हिंदू आ गए इसलिए हमने अब ये इस्लामिक ब्रिगेड्स बनानी। तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये हमेशा जब भी फौज लड़ाई करती है तो वो एक रिलीजन का सहारा लेती है। अच्छा, थोड़ा मोटिवेशन जो है वो हमेशा रिलीजियस करती है। अच्छा, थोड़ा सा इससे हम आगे चलते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट जो है, जो अयूब के अंडर बनती है, कंसोलिडेट करती है, जिसको पाकिस्तानी लिटरेचर में हम बार बार रेफर करते हैं कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट चली आ रही। अब जब एक बड़ा पावरफुल सिविलियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे, व्हाट हैपेंस टू द नेशनल सिक्योरिटी स्टेट? आपने तो खुद ही बता दिया कि भुट्टो साहब सिर्फ एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो प्रेसिडेंट भी थे उससे पहले, और फिर चीफ मार्शल, पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो तो एक सिविलियन ऑटोक्रेट डिक्टेटर बन चुके थे। तो मैं आपसे अर्ज करूं, उसके लिए एक पॉलिटिकल साइंस में टर्म इस्तेमाल की गई है, बोनापार्टिज्म। वो क्या है बोनापार्टिज्म? नेपोलियन बोनापार्ट से आती है। आपने हिस्ट्री पढ़ी और आपने स्टैनली वॉलफोर्ड की किताब का भी जिक्र किया। भुट्टो साहब के हीरो कौन थे?
नेपोलियन बोनापार्ट, कितनी एक वॉल्यूम नहीं कितनी बायोग्राफीज उनकी लाइब्रेरीज में, पता नहीं कौन गया था थी। भुट्टो का इंटरव्यू लेने, वो जो खातून थी मेरे ख्याल से ओरियाना फलाची, ओरियाना फलाची इंटरव्यू विद हिस्ट्री, इंटरव्यूज विद, और उसने कहा गिल्डेड विद गोल्ड जो है वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट की बायोग्राफी। तो भुट्टो साहब वाज फैसिनेटेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्टिज्म ये थी कि एक शख्स मिलिट्री का सहारा या मिलिट्री सिंबल्स का सहारा लेके पावर में आता है, होता वो सिविलियन है। नेपोलियन जब दूसरी दफा पावर में आया, शिकस्त के बाद इम्प्रिजनमेंट होगी, फिर वापस आया तो अवाम के पीछे उसके अवाम थी, इसलिए आके उसने पावर सीज किया, फिर उसने जो ताज था अपने सर पे खुद लगा रख दिया। तो वहाँ से बोनापार्टिज्म के एक बंदा, एक शख्स जो सिविलियन है मगर डिक्टेटर बन जाता है और फौज का सहारा लेता है। तो भुट्टो साहब के हीरो भी नेपोलियन बोनापार्ट था, उन्होंने बोनापार्टिज्म का इजहार किया और वही उसको उनको पसंद था वो सिस्टम, उन्होंने सारा पावर अक्यूमुलेट करने की कोशिश की। और दो चीज़ें की उन्होंने, एक तो उन्होंने अपने सिविलियन क्रेडेंशियल्स को प्रूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको बना के दी कि भाई उसके बगैर तो बोनापार्ट नहीं बन सकता ना, वो सिविलियन थे तो वो तो काम करना ही करना था, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनाई कि प्राइम मिनिस्टर ऑल पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और साथ ही बनाते सार ही फिर साथ साथ अमेंडमेंट्स भी करनी शुरू कर दी ताकि और पावर आ जाए। दूसरी चीज ये कि उन्होंने आपकी फौज गिरी हुई थी, डीमोरलाइज थी बांग्लादेश के बाद, आपके प्रिजनर्स थे इंडिया में, उन्होंने फौज को रीबिल्ड किया और एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट जिसकी आप अभी सवाल पूछ रहे थे उसको फिर से बनाना शुरू किया। और वो कैसे बनाना शुरू किया, उन्होंने भी आपको याद होगा इलेक्शंस में मैं 1000 साल के लिए हिंदुस्तान के साथ जंग करूंगा, उन्होंने भी यही रेटरिक इस्तेमाल की थी, घास खाएंगे मगर ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने भी फौज को स्ट्रांग किया और नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाई, मगर फर्क ये था कि अब मिलिट्री रूलर नहीं था, अब सिविलियन रूलर था। तो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के अंदर सिर्फ एक तब्दीली आई पहली बार, कि वो सिविलियन उसको लीड कर रहा था मगर, और वही सी चीजें थी इंटरेस्टिंग। आप बात करें, आप ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जुल्फिकार अली भुट्टो एक इंतहाई पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर थे जिनकी अपनी एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल मशीन थी, उसके बावजूद अंडर द सरफेस जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है वो कंटिन्यू कर रही, वो बिल्कुल कंटिन्यू कर रही थी, और भुट्टो साहब सिर्फ उसमें थोड़ी तब्दीलियां करना चाह रहे थे, बिकॉज जाहिर है जब मिलिट्री होगी तो वो एक तरीके से चलाएगी, सिविलियंस दूसरे तरीके से चलाएंगे। मिलिट्री जो थी अयूब खान और या इनकी अमेरिका के साथ तल्लक था, भुट्टो साहब ने ये सोचा कि अब अमेरिका के साथ तल्लक जो है ये ठीक नहीं है, इन्होंने चाइना के साथ ओपनिंग शुरू की। और इन्होंने, इनकी हमेशा ख्वाहिश थी, इनके हीरोज मैंने आपसे अर्ज किया पहले तो नेपोलियन था हिस्ट्री में, मगर मॉडर्न हीरोज इनके कौन थे, सुकार्नो इंडोनेशिया, नासर इजिप्ट, नेहरू इंडिया, ठीक है, एंटी इंपीरियलिस्ट लोग जो कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ थे। भुट्टो साहब ने सोचा कि मैं, मुझे तो ये मेरे हीरोज हैं, मैं तो इनके कैंप पे जाना चाहता हूँ, नॉन अलाइन मूवमेंट में जाना चाहता हूँ, मगर हिंदुस्तान ने इनको नॉन अलाइन मूवमेंट में नहीं आने दिया, बिकॉज पाकिस्तान के अभी भी अलायंसेस थे अमेरिका के साथ। तो भुट्टो साहब ने एक नई चीज सोची, इस्लामिक समिट। उन्होंने कहा मैं थर्ड ब्लॉक बनाता हूँ, मैं इस्लाम का ब्लॉक बनाता हूँ, मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है वो अमेरिका से नहीं लूंगा, नॉन अलाइन मूवमेंट में 3 जायंट्स ऑलरेडी हैं, मैं एक नया ब्लॉक बनाता हूं, मैं इस्लामिक समिट करके मैं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूंगा। अच्छा, ये जो इस्लामिक समिट था, वाज दैट समथिंग दैट एंगर्ड अमेरिकन्स? एब्सोल्युटली। देखिए, पाकिस्तान वाज इन द अमेरिकन कैंप, भुट्टो साहब उनको निकालना चाह रहे थे, एक तरफ एक इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाह रहे थे और दूसरी तरफ चाइना की तरफ जा रहे थे, तो अमेरिका के साथ तो भुट्टो साहब की पहले दिन से एक समझे ना कॉन्फ्रंटेशन शुरू होगी। और जब भुट्टो साहब, जब इंडिया ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट किया और भुट्टो साहब ने यह फैसला किया कि आप भी हम भी न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएंगे, तो अमेरिका ने सोचा ओ मुसलमानों के पास, और वो भी एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, और पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम चल रहा था, अमेरिका को पता था ये तो मसला बन सकता है, ये सऊदी अरेबिया और ये सारे अमेरिकन कैंप में थे और वो देख रहे थे कि नासर जो है वो निकालना चाह रहा था इजिप्ट को अमेरिकन कैंप से, और इधर भुट्टो साहब निकालना चाह रहे थे पाकिस्तान को, तो दे डिटरमिंड, जैसे दे गॉट ट्राई टू गेट रिड ऑफ नासर, इसी तरह एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे।